हमारे पुराने साथी और जिनका आज जन्मदिन का सामना करने के लिए जो सबसे बड़ा एक बचाव का तरीका था दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ पिछले तीन महीनों में जिस तरह से पूरे विश्व का कोरोना से का संक्रमण का दौर चल रहा है हमारे देश भी उससे अछूता नहीं है और विशेष तौर पर अजमेर शहर को इस कोरोना से बचाने के लिए जो सबसे अहम आवश्यकता हमारे जागरूकता की है उसको हमारे मीडिया कर्मियों ने घर घर तक हर अजमेर निवासी को पहुंचाने का जो काम किया जागरूक करने का जो काम किया है उसके लिए पूज्य सिद्धि पंचायत पंचशील की ओर से अब एक प्रेस मीडिया के तमाम साथियों का सम्मान का ये कार्यक्रम रखने का काम किया और हमें खुशी है कि हमारे तमाम प्रेस के साथियों ने अपनी यह भागीदारी निभा करके पूज्य सिद्धि पंचायत के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है और हम तमाम पूज्य सिद्धि पंचायत पंचशील सिंधु भवन के पदाधिकारी हमारे प्रेस मीडिया के साथियों का सम्मान करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने इस कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे शहरवासियों की सेवा करने का कार्य किया है फील्ड में जाकर के सूचनाएं देने का काम किया है सबको जागरूक करने का काम किया है इसी प्रकार की सेवाएं अजमेर वासियों को आप निरंतर प्रदान करते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर प्रेस मीडिया के तमाम साथियों का स्वागत अभिनंदन मोहन चलानी उपाध्यक्ष आज सिंधी पंचायत पंचशील नगर में सिंधु भवन की तरफ से एक जो तीन महीने से जो कोरोना का टाइम चल रहा है कोरोना बीमारी का वायरस चल रहा है उस कोरोना वायरस के अंदर जो अपने मीडिया बंधु प्रेस इलेक्ट्रिक्स प्रेस जो इस बीमारी के अंदर रात दिन अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बच्चों की परवाह न करते हुए और उस जगह पे जा कर के हमें सारी खबरें पहुंचाई घर घर हम तो घर में रहे लॉकडाउन में रहे लेकिन शहर में क्या स्थिति चल रही है वो आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से मिलती रही हमें जागरूकता करते रहे कैसे सोशल डिस्टेंस में रहना है वो उसकी हमें जानकारी मिलती रही उस संबंध में हमने सोचा जैसे हमने पहले पिछली बार हमने नगर निगम के सफाई सैनिकों का सम्मान किया था उसके बाद में पुलिस प्रशासन का स्वागत किया था आज हमने एक मन में आया कि हम मीडिया कर्मी भी हमारे भाई हैं जो जान जोखिम में डाल करके तीन माह से लगातार रात दिन हमें खबरें पहुंचा रहे हैं हमें मीडिया के माध्यम से एक एक जानकारी दे रहे हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए आज हमने एक होटल में वैशाली नगर में एक प्रोग्राम रख करके सब मीडिया भाइयों का सबका सम्मान किया और सबका धन्यवाद दिया और सबका एक झूलेलाल से निवेदन किया कि सबको जल्दी ही सही ये बीमारी को जड़ से ख़त्म हो जाए राधा कृष्णा हो जाए पूर्व सिंधी पंचायत अध्यक्ष।